इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि वो मरता ही नहीं था जालंधर। तब भगवान नारायण ने तुलसी माता के पास आए जालंधर का रूप बनाकर। वहां शंकर जी की लड़ाई चल रही थी जालंधर से युद्ध, और यहाँ भगवान आए और जालंधर बन करके। तो वृंदा ने कहा आपने युद्ध जीत लिया? बोले हाँ, अब वो युद्ध जीत गए। तो दोनों पति पत्नी आपस में वो रमण के लिए जाने लगे, और जहां दोनों पति पत्नी रमण की ओर गए तो उसने एक दीपक जला रखा था वृंदा ने कि ये दीपक बुझ जाएगा तो मान लूंगी कि मेरा पति नहीं है। अब वो दीपक बुझ गया क्योंकि वहां शंकर जी ने मार दिया जालंधर को। तो वृंदा ने कहा कि आप कौन हैं? तब भगवान अपने विष्णु रूप में प्रकट हो गए। प्रभु आप हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट करने आए हैं, आप तो सारी स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को बचाते हो, आप हमारा नष्ट कर रहे हैं। अच्छा बताओ भगवान विष्णु ने क्यों माता वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया? क्यों क्योंकि लोगों को जानकारी अधूरी हो, इसलिए ना लोग अधूरी बातें करते हैं। आपको मैं जानकारी पूरी दे दूं, जब वृंदा का विवाह जालंधर से नहीं हुआ था उसके पहले हजारों वर्षों तक वृंदा ने तपस्या की थी, और तपस्या में वरदान मांगा था कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनूं। अब भगवान विष्णु की पत्नी तो भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, भगवान आए, क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे आपकी पत्नी बनना। भगवान बोले अच्छा बन जाना, पर जाओ अभी तुम जालंधर की पत्नी बन जाओ। तो भगवान के आदेश से वृंदा ने जालंधर से विवाह किया, और जालंधर जब मारा गया तो भगवान ने पति बन करके रक्षा की। अच्छा भगवान को पहले ही वरदान में पति मांग चुकी है वो, फिर बाद में कहा कि आपने हमारे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। अच्छा तुलसी बाद में ये बात भूल गई तपस्या, और उन्होंने ये वरदान मांगा, ये बात थी पिछले जन्म की। अब इस जन्म में उन्होंने वृंदा के रूप में जालंधर को प्राप्त किया है, परंतु भगवान ने वरदान तो दिया था कि मैं तेरा पति बनूंगा, तो वरदान मिथ्या कैसे हो? अच्छा जो जालंधर था वो अपनी पत्नी के बल से ना उसकी शक्ति का वो मिसयूज करता था, वो पत्नी के व्रत से इतना बड़ा बलशाली हो गया, मरता ही नहीं था। सोचिए शंकर जी नहीं मार पा रहे थे उसे, तो वो अपनी शक्ति, और मार क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि पत्नी का पातिव्रत था, और जहां पातिव्रत धर्म मिल जाए तो पति कई गुना शक्तिशाली है, तो मरा नहीं वो। तब भगवान को आना पड़ा कि तेरा पति गलत कर रहा है, समाज को परेशान कर रहा है, अपनी शक्ति का मिसयूज। इसलिए भगवान ने जन कल्याण के लिए वृंदा के पातिव्रत को नष्ट किया। फिर वृंदा ने श्राप दिया कि आपने पत्थर बन करके मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट किया, जाओ आप पत्थर की शिला हो जाओ। तो भगवान बोले तथास्तु, यदि मैंने तुम्हारा बिगाड़ा है तो तुम बिल्कुल मुझे दंड दे सकती हो, तुम्हारा श्राप शिरोधार्य है। तब भगवान उनके श्राप के कारण शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति है। तो वृंदा के श्राप से भगवान क्या बन गए? जोर से क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। फिर भगवान ने कहा, फिर वृंदा रोने लगी कि प्रभु अब आप बताओ, हम आपकी पत्नी सदा रहना चाहती हैं, हम आपसे अब दूर होना नहीं चाहती। तो भगवान बोले वृंदा तुम तुलसी बन करके आओ, अब हम और तुम दोनों विवाह करेंगे, फिर तुम हमारी पत्नी बन के रहना। इसलिए एकादशी के दिन दीपावली के बाद जो बड़ी ग्यारस आती है देव उठनी एकादशी, उस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से होता है, और पूरे भारत के लोग ये विवाह बड़ी धूमधाम से उत्सव, घर घर ये उत्सव मनाया जाता है। आपको भी मनाना चाहिए,
एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी जी से कराना चाहे। तो तुलसी ने कहा कि प्रभु आप मुझे पक्का वादा कीजिए। क्या? बोले आप जैसे मेरा पति व्रत बिगाड़ने चले आए, ऐसे आप मेरे पति हो और कल आप किसी और के पास चले गए तो आप मुझे वादा करो कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा चल पगली, मैं तुझे वादा करता हूँ आज के बाद मैं किसी और स्त्री की पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वचन वृंदा को मतलब तुलसी महारानी को भगवान ने ये वादा कर चुके हैं। इसलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती, पुरुष करते हैं। अब आप सवाल कर सकती हो कि क्यों नहीं करते हम? अरे तुलसी जी ने प्रॉमिस लिया है भाई, वचन लिया है, उन्हें डर है कि कहीं आप भी भगवान को तिरछी नजर से ना देख लो। वृंदा को डर है कहीं आप भी भगवान को अपनी ओर ना खींच लो। तो भगवान ने कहा चलो हम किसी स्त्री की पूजा को ही स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी की खुशी के लिए, किसकी खुशी के लिए? तुलसी माता की खुशी। इसलिए संडे के संडे भगवान रोज तुलसी माता से मिलने आते हैं, इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते, केवल संडे को। बाकी तो विधान अलग हो सकते हैं, पर संडे को इसलिए नहीं तोड़ते, तुलसी में भगवान का वास होता है, भगवान अपनी पत्नी से मिलने संडे के संडे आते हैं, बाकी समय वैकुंठ में विराजते हैं लक्ष्मी जी के साथ।